नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिज़ाइनर बॉर्डर बनाएंगे, जिसे आप कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए 18 के मल्टीपल फंदे चाहिए। एक ट्रायंगल 17 फंदे का बना हुआ है और दो ट्रायंगल के बीच में एक फंदा है, तो आपको जितने भी ट्रायंगल बनाने हो उतने 18 फंदे और 3 फंदा एक्स्ट्रा लेंगे। मैंने इसमें 3 ट्रायंगल बनाए हैं, तो मैंने इसमें 57 फंदे रखे हैं। 54 प्लस 3। तो चलिए हम बॉर्डर बनाते हैं। मैंने सिलाई में 57 फंदे डाले हैं और दो लाइन उल्टा उल्टा बुना है, जिससे उल्टे फंदों की एक धारी आ गई है। और अब ये तीसरा लाइन है और बॉर्डर का पहला लाइन। पहला फंदा S-स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, और अगला फंदा सीधा, फिर उन इधर ही रहेगा और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में एक साथ सिलाई डालेंगे और दो फंदों का एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, 2 का 1 कर लिया, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर उन अपनी ओर ही रहेगा और अगला फंदा सीधा यानी जाली देते हुए सीधा, फिर उन दूसरी तरफ ही रहेगा और अगले 3 फंदे उल्टे बनाएंगे यानी जाली देते हुए, ऐसे इधर रहने से जाली पड़ जाएगा, तो जाली देते हुए 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर 7 फंदे उल्टे। 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा, उन दूसरी तरफ ही रहेगा और अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, उन दूसरी तरफ ही रहेगा और उसके बाद 3 फंदे उल्टे, और अब उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, 7 फंदे उल्टे, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा, उन अपनी ओर रहेगा, अगला फंदा सीधा और लास्ट फंदा सीधा, पीछे से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। सेकेंड रो और बैक साइड सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 3, और अब उन दूसरी तरफ ही रहेगा और अगले 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर लेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर उन अपनी ओर ही रखे रहेंगे और 3 फंदे सीधा बनाएंगे, 1 2 3, अब उन दूसरी तरफ ही रहेगा और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और
पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। दो का एक किया, फिर पांच फंदे सीधे उल्टे, एक दो तीन चार पांच। फिर उन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। फिर उन अपनी ओर ही रहेगा और अगले तीन फंदे सीधे, यानी जाली देते हुए तीन फंदा बनाए सीधा, एक दो तीन। और उन दूसरी ओर ही रहेगा और अगला तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। उन दूसरी ओर करेंगे और अगले दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगले पांच फंदे उल्टे, एक उन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, यानी दो का एक किया। फिर अगले तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। और उन अपनी ओर ही रहेगा और अगले तीन फंदे सीधे, और पीछे से यानी बैक पोर्शन में सभी बैक साइड में से सभी फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे। हर लाइन में पीछे से सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, चार फंदे सीधे बुनेंगे। पहला फंदा स्टिच है, इसे बुनेंगे, सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, और अगले तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। और उन दूसरी तरफ ही रहेगा और अगला तीन फंदा उल्टा, यानी जाली देते हुए तीन फंदा उल्टा, दो तीन। अब उन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। फिर उन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगले तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। अब उन अपनी ओर ही रहेगा और पांच फंदे जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। अब उन दूसरी ओर ही रहेगा और अगले तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। उन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, अगले तीन फंदा उल्टा। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, दो का एक किया, अगले तीन फंदे उल्टे। फिर उन अपनी ओर ही रहेगा और जाली देते हुए पांच फंदा सीधा बनाएंगे, उन दूसरी तरफ ही रहेगा और अगला तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब उन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे और अगले तीन फंदे उल्टे। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, पहले पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे में, फिर दोनों को एक साथ लेकर एक सीधा फंदा बना लेंगे, अगले तीन फंदा उल्टा। और उन अपनी ओर ही रहेगा और लास्ट के चारों फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदा उल्टा। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्टिच है, उसे सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। फिर उन दूसरी तरफ ही रहेगा और अगले तीन फंदे उल्टा, यानी जाली देते हुए तीन फंदा उल्टा। फिर उन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा। यहाँ पे फंदे घटते जा रहे हों और यहाँ पे फंदे बढ़ रहे हैं। देखिए, जाली के बीच में दोनों फंदे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे फंदे घट रहे हैं। अब उन अपनी दूसरी ओर करेंगे
और पहले पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा, फिर ऊन अपनी तरफ ही रहेगा और अगले सात फंदे सीधे यानी जाली देते हुए सात फंदा, फिर ऊन दूसरी तरफ ही रहेगा और अगले तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, ऊन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर ऊन दूसरी ओर करेंगे, पहले पहले वाले फंदे में फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर ऊन अपनी तरफ ही रखे हुए सात फंदा सीधा बनाएंगे और ऊन दूसरी तरफ ही रहेगा और अगले तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर ऊन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा, फिर ऊन अपनी ओर ही रहेगा और पांच फंदे यानी लास्ट के सभी फंदे सीधे और बैक साइड से सभी फंदे उल्टे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्टिच है उसे सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे और अगले पांच फंदे सीधे, फिर ऊन दूसरी तरफ ही रहेगा, अगला तीन फंदा उल्टा। और अब इन तीन फंदों को हमें एक करना है, तो पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में और फिर तीसरे वाले फंदे में, फिर तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे यानी तीन का एक फंदा कर लिया। फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर उन अपनी ओर ही रहेगा और नौ फंदे सीधे यानी जाली देते हुए नौ फंदा सीधा बनाएंगे, और उन दूसरी तरफ ही रहेगा और तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। और अब उन दूसरी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को, जो ट्रायंगल बन रहा है, इन तीन फंदों को अब हमें एक करना है, तो पहले पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में और फिर तीसरे वाले फंदे में, यानी दूसरा वाला फंदा सबसे ऊपर आ गया, और तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और तीन का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अगले तीन फंदे उल्टे और फिर ऊन अपनी ओर ही रहेगा और जाली देते हुए नौ फंदा सीधा बुनने के बाद ऊन दूसरी तरफ ही रहेगा, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर ऊन दूसरी ओर करेंगे और तीन फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा और फिर उन अपनी ओर ही रहेगा और सभी फंदे सीधे बना लेंगे यानी जाली देते हुए सीधा और पीछे से सभी फंदे उल्टे। 11th रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्टिच है उसे सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर छह फंदा सीधा, फिर उन दूसरी तरफ ही रहेगा और दो फंदा उल्टा, एक दो। अभी तक हमने तीन फंदा उल्टा बनाया था, लेकिन अब दो फंदा उल्टा उन दूसरी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को हमें एक करना है, तो पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में और लास्ट में तीसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे और फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा, फिर उन अपनी ओर ही रहेगा और 11 फंदे सीधे, फिर उन दूसरी ओर ही रहेगा और दो फंदा उल्टा, एक दो। फिर उन दूसरी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को हमें एक करना है, तो पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे यानी दूसरा वाला फंदा ऊपर रहेगा, फिर पहले वाले फंदे में और फिर अंत में तीसरे वाले फंदे में, और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे और फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा,
फिर उन अपनी तरफ ही रहेगा और 11 फंदे सीधे, फिर उन दूसरी तरफ ही रहेगा और 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर उन दूसरी तरफ करेंगे और इन 3 फंदों को हमें एक करना है, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में और अंत में तीसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा और फिर उन अपनी ओर ही रहेगा और शेष सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदा उल्टा। 13th रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्टिच है उसे सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे और उसके बाद 7 फंदे सीधे, 7। अब उन दूसरी ओर ही रहेगा और एक फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और 3 फंदों को हमें एक करना है, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में और अंत में तीसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, तीनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और एक फंदा उल्टा, फिर उन अपनी ओर ही रखे रहेंगे और 13 फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे फंदे घटते जा रहे हैं और यहाँ पे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। फिर उन दूसरी तरफ ही रहेगा और एक फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी तरफ करेंगे, 3 फंदों को एक करेंगे, तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 13 फंदे सीधे यानी जाली देते हुए 13 फंदा सीधा बनाएंगे। फिर उन दूसरी तरफ ही रहेगा और एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे, 3 का 1 किया। फिर उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा और उन अपनी तरफ ही रखे हुए शेष सभी फंदे सीधा बना देंगे यानी जाली देते हुए सीधा और पीछे से सभी फंदे उल्टे। 15वीं लाइन और सामने से, पहला फंदा स्टिच है इसे सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर 8 फंदे सीधे, 8 फंदे सीधे। अब उन अपनी ओर करेंगे और पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे यानी जाली देते हुए सीधा। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 15 फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदों को हमें एक करना है और बीच वाले फंदे को हमें ऊपर रखना है, इसलिए पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में, फिर तीसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 15 फंदे सीधे, 15 फंदा सीधा बुनने के बाद उन अपनी ओर करेंगे और इन 3 फंदों को हमें एक करना है और दूसरे वाले फंदे को हमें ऊपर रखना है, तो पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में, फिर तीसरे वाले फंदे में और तीनों को एक साथ लेते हुए 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए, यहाँ पे जाली भी पड़ गया। फिर उन अपनी ओर करेंगे और फिर जाली देते हुए शेष सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर बन के तैयार है, बनाने में बहुत ही आसान और बनने के बाद बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने कार्डिगन में डालिए, आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।